मानवी शरीरात मेंदू हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. मेंदूवर नियंत्रण मिळवून जीवन आनंदमय करता येतं. संन्यासी स्वामी बिजुलीनंद सरस्वती या भिक्षूंनी यावर संशोधन करीत महत्त्वपूर्ण शोध लावले. संन्यासी स्वामी बिजुलीनंद सरस्वती यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मानवी जीवन आनंदमय करण्याचं रहस्य उलगडण्यात आले. स्वामींच्या मते काही हजारो वर्षांपूर्वी एका दुर्घटनेमुळे मानवाच्या नैसर्गिक मस्तिष्काचं रूपांतर भौतिक मस्तिष्कात झालंय, त्यामुळे सध्या मानवी जीवन दुःखमय झाले. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आपण केलेल्या संशोधनाच्या आधारे मानवी जीवन आनंदमय करण्याचा प्रयत्न करावा असं आवाहन स्वामी बिजुलीनंद सरस्वती यांनी केलंय. मनुष्य की सारी समस्याएं बुराई और बीमारी है. हमने इसको समाप्त करने के लिए खोज किया, मानव मस्तिष्क पर रिसर्च किया, तो हमें ज्ञात हुआ कि मानव के अंदर आदिकाल में सभ्यता प्रारंभ से पूर्व आज से 11,000 वर्ष पूर्व में एक मौसम दुर्घटना से मनुष्य दूषित भोजन किया और दूषित भोजन से दूषित तत्व के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में भौतिक मस्तिष्क का निर्माण हुआ है. भौतिक मस्तिष्क को हम प्राकृतिक मस्तिष्क मान रहे हैं और सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं. यही एक मूल समस्या है. भौतिक मस्तिष्क को निष्क्रिय कर दिया जाए, ये सारा संसार परिवर्तित हो जाएगा. न कोई बुराई रहेगी, न कोई बीमारी रहेगी, न किसी तरीके का अपराध होगा, कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा. मूल समस्या है भौतिक मस्तिष्क. जब तक इसको दुनिया नहीं समझती है तब तक अज्ञान रहेगी, अंधेरे कानून में रहेगी, अंधेरे विज्ञान में रहेगी, अंधेरे धर्म के अंधेरे में रहेगी. आपको क्या करना है ये हम नहीं करेंगे. हम आपको आपके सामने बताएं कि हमारे पास आपका जीवन है, आप चाहो तो हमसे प्राप्त कर सकते हो. कैमरामैन विजय सर, कल्याणी भापकर, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता.